नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की रसोई में। तो आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ मटर के छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। और यहाँ पर जीरा राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और पूड़ियाँ। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मटर। मटर यहाँ पर मैंने करीब 1 कप लिया था। इसको रात में ही हम भिगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। और इसे देखिए, हमने 2 से 3 पानी धुल लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुकर में इसको ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे यहाँ पर हम पानी। तो पानी आप साफ ही थोड़ा ऐड करिएगा, तो क्या होगा कि इसको फिर हम जब सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो ये पानी हम उसी में ऐड करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि जावित्री हो गया, दालचीनी, तेज़पत्ता, 1 बड़ी वाली इलायची, 4 से 5 काली मिर्च भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और 2 से 3 यहाँ पर आपको अगर डालना है तो आप यहाँ पर लौंग भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हल्दी और नमक डाल करके हमने कुकर बंद कर दिया है। यहाँ पर 2 से 3 सीटी आने तक हम पका लेंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और टमाटर भी यहाँ पर मैंने 2 लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप पीस करके यूज़ करें। यहाँ पर देखिए, मटर भी अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है। तो हम इसका तड़का लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा तेल। तो तेल यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच ऐड करेंगे जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा तो यहाँ हम डाल देंगे तेज़पत्ता, और बारीक जो हमने चॉप करके प्याज रखी थी वो हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसे हम तब तक के लिए पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद में यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और इसे भी हम जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही ये पक जाएगा तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले। मसाले में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। उसके बाद में 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून यूज़ किया है, क्योंकि और ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी 1-2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। और जैसे ही ये पक जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टमाटर हमने बारीक चॉप करके रखे थे वो हम इसी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसका पेस्ट बना लें, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर नमक। नमक हम टमाटर जैसे ही ऐड करेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, और 1-2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल कर पक जाए एकदम। तो यहाँ पर देखिए टमाटर गल चुके हैं, और इसको चम्मच की मदद से दबा दबा कर हम थोड़ा इसको ऐसे पेस्ट टाइप हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर देखिए ऑयल छोड़ दिया है, कितने अच्छे तरीके से ये पक गया है। तो जो हमने मटर उबाल करके रखे थे वो हम इसी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम हल्दी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब मटर हमने उबालने के लिए रखे थे तो हमने उसमें भी ऐड कर दिए थे थोड़ा सा हल्दी, इसलिए यहाँ पर मैं हल्दी का कम इस्तेमाल की हूँ। और उसके बाद जब तक ये सब्ज़ी यहाँ पर पकेगी हम बना लेंगे जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून तेल जाएगा। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम जीरा ऐड कर देंगे, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने चावल लिया है। चावल को मैंने पहले से ही धुल करके 20 मिनट पहले ही मैंने रख दिए थे। इससे क्या होगा, चावल जो हमारा है ना वो एकदम खिला खिला बन करके तैयार होगा। और इसमें बस चावल ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें पानी डाल करके 1 से 2 सीटी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर 2 सीटी लग गई है, और इधर देखिए मटर भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। सब्जी एकदम मटर की बनकर के तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में हम ऐड करेंगे तेल, और गर्मा गर्म निकालेंगे पूड़ियाँ एकदम फुली फुली। तो यहाँ पर देखिए हमने पूड़ी ऐड कर दी इसमें, और बस इसे जब भी आपकी पूड़ी यहाँ पर फूले नहीं, चम्मच की मदद से आप इसे दबा दबा कर पकाएंगे तो ये अच्छी तरीके से फूल जाएगी। और बस ये हमारा
खाना बन करके तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।